हेलो फ्रेंड्स, नया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बटर क्रीम बनाना बताऊंगी, जो घर पर बहुत आसानी से बन जाती है और इसे आप केक के ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, सेम बाजार जैसी ही बनती है। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन क्लिक करना भी ना भूलें। हमें चाहिए 250 ग्राम अमूल बटर, 2 कप पाउडर शुगर, ये मैंने घर की चीनी का पाउडर बनाया है। चीनी को पीसने के बाद आप कप या कटोरी का माप ले लीजिए, 2 कप, 2 बड़े चम्मच दूध, 1/2 आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर होगा तो आप वो ले सकते हैं, अगर ना हो तो आप विस्क से भी इसे बीट कर सकते हैं, लेकिन हैंड बीटर से इसे 15 मिनट लग जाते हैं। अब इसे हम बीट करेंगे, थोड़ा सा स्मूथ होने दीजिए। अब इसमें आप पाउडर शुगर डाल दीजिए, आधा डालिए। अब इसे बीट कीजिए। अब इसमें आप बाकी का पाउडर शुगर डाल दीजिए और इसे चम्मच से हिला दीजिए, ताकि आप बीट करते हैं तो वो पाउडर उड़ता है, इसलिए आप पहले चम्मच से हिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए, उसके बाद आप बीट कीजिए। अब आप इसे बीट कीजिए जब तक ये लाइट और फ्लफी ना हो जाए, तब तक इसे हमें बीट करना है। और ये सिर्फ 2-3 मिनट में क्रीम बन जाती है बीटर से, इलेक्ट्रिक बीटर से। अब इसमें आप 2 बड़े चम्मच दूध डाल दीजिए, फिर से इसे बीट कीजिए अच्छे से। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, सेम आपको बेकरी जैसा ही टेस्ट आएगा, जैसे बेकरी में बनाते हैं क्रीम उसी तरह से ये बनती है। ये आप केक पे इसे डेकोरेशन कीजिए इससे, और इसमें आप कलर भी कोई भी डाल सकते हैं, फ्लेवर भी डाल सकते हैं। अब आप देखिए कितनी लाइट और फ्लफ़ी बन गई है, इसी तरह हमें इसे बनाना है, लाइट और फ्लफ़ी। अब आप स्पैटुला से इसे इकट्ठा कर दीजिए और किसी बाउल में इसे निकाल लीजिए। ये देखिए सेम मार्केट जैसी ही क्रीम बनी है, ये लीजिए फ्रॉस्टिंग क्रीम बन चुकी है। अब इसे आप केक पर या मफिन पर इससे डेकोरेशन कीजिए, और ये बहुत जल्दी बन जाती है, 2 मिनट में सबको अच्छी लगेगी, टेस्टी लगती है। अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।